अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा ये बात पूछी जाती है कि जब मेकअप हम करते हैं तो ये एकदम से स्किन के साथ चिपक जाता है, उतरता नहीं है। मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, काइंडली मेकअप को रिमूव करना हमें बताया जाए। आपको पता है विंटर सीज़न है और इस सीज़न में तो बिल्कुल भी स्किन से जो कह लें नॉर्मली भी जो बेस होती है वो नहीं उतर पाती और स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं और स्किन अंदर चला जाता है सारा मेकअप। और आपको पता है पिंपल्स बनने का खदशा होता है और स्किन डैमेज हो जाती है, क्रैकी हो जाती है। तो सबसे इजी जो तरीका है मेकअप रिमूव करने का, जो मैं अपने पर यूज़ करती हूँ, कुकिंग ऑयल सबसे बेस्ट कुकिंग ऑयल है। अच्छा, मोस्टली लोग जो क्लींज़र है वो यूज़ करते हैं और कोई ना कोई स्क्रब यूज़ करते हैं, फेस वॉश यूज़ करते हैं, तो इन सबको एक साइड पर रख दें और आप ये कुकिंग ऑयल लें तो इंशाल्लाह ताला आप ख़ुद कहेंगे बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो हमारे जो मेकअप हम लोगों ने लगाया होता है, इतनी हैवी बेस लगाई होती है, वो ईज़िली रिमूव हो जाती है। अच्छा, मैं आपको मेकअप आज रिमूव करने का जो तरीका है वो बताती हूँ। सबसे पहले आपने जो ज्वेलरी वगैरह वेयर की हुई है वो आप उतार दें, वो मेरा नेकलेस टूट गया है, तो उसके बाद आप जो इयर रिंग्स हैं आप वो उतारें, अपनी रिंग्स वगैरह उतारें, और उसके बाद आपने सबसे पहले आईलैशेस रिमूव करनी है। ये देखें, बहुत इजी तरीका है। अच्छा, इतना इजी तरीका है, ये भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मैम ये आईलैशेस कैसे रिमूव की जाती है? जस्ट आपने यहाँ से इसको पकड़ना है और ये रिमूव कर देना है, ये देखें। उसके बाद आपने सबसे पहले अपने हैंड वॉश करने अच्छे तरीके से 2 से 3 बार, क्योंकि हम लोग मेकअप करते हैं तो जो फिंगर टिप्स हैं इसमें भी मेकअप फंस जाता है, तो आप अच्छे तरीके से वॉश करके और सबसे पहले लेंस रिमूव करेंगे। अच्छा, इसके बाद मैं जो है हैंड वॉश कर रही हूँ और ये देखिए बहुत ईजी तरीका है, आपने ये देखिए यूँ किया और यूँ पकड़ लिया, एक आँख बड़ी और एक छोटी लगा, अच्छा। इसके बाद हम अपना जो बाल, हमारे जो उड़े उड़े बाल हैं, इसको हम अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे कोनी या जूड़े की शक्ल में। मैंने टॉप पे जूड़ा कर लिया, आप इजीली कर लें। उसके बाद फ्यू ड्रॉप्स आपने कुकिंग ऑयल में, घर में इजीली अवेलेबल होता है कुकिंग ऑयल, आप कुकिंग ऑयल लेके उसको टैप टैप करके अप्लाई करें। और आपने बहुत सॉफ्ट हाथों के साथ आपने इसका मसाज करना है, ये देखें। सबसे पहले मसाज करने से आपने पहले अपनी लिपस्टिक को रिमूव करना है। आपको पता है आजकल मैट लिपस्टिक्स चलती हैं तो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, बहुत मतलब प्रॉब्लम होती है उनको उतारने के लिए, तो सबसे पहले मैं अपनी लिप्स को रिमूव करूँगी लिपस्टिक को। ये देखिए कितना इजीली रिमूव हो गया। आपको किसी झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी क्लींजिंग की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसको रिमूव कर सकती हैं। अच्छा, इसके बाद आपने अच्छा सा आपने मसाज करना है। ये मोस्टली आपको पता है इन चीज़ों पर और इन चीज़ों पर और ये इनर कॉर्नर पर लगा हुआ रह जाता है काफ़ी ज़्यादा बेस हमारी। आप देखिएगा एक ही मर्तबा मसाज करने से टोटली जो बेस है वो रिमूव हो जाएगी। आप कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं, आप टिश्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं, आप वाइप्स भी यूज़ कर सकते हैं, ये देखें। टोटली बेस मेरे फेस से रिमूव हो चुकी है। अब मैं अपनी आई का मेकअप साफ करूँगी। इसी तरह आपने 1 ड्रॉप लेके ऑयल का, कुकिंग ऑयल का, आपने अच्छे से मसाज करना है और इसको भी आपने ये देखिए रिमूव कर लेना। ये देखिए मेरी स्किन नीट एंड क्लीन हो गई है।
आप इसको एक बार दोबारा से अप्लाई करके कुकिंग ऑयल को आप इसको अपने पूरे फेस को अच्छे तरीके से डीप क्लिनजिंग कर सकते हैं। उसके बाद कोई सा भी फेस वॉश लेके आप वॉश कर लें और कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम अप्लाई कर लें। आई होप आपको ये मेरा जो तरीका है आपको पसंद आया होगा। ये रेमेडी छोटी सी है, घर में ही आपके किचन में ही मौजूद है, आप कर सकते हैं। और दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।